नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने आज समाचार 24+ लेकर आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जानी मानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा जी के घर पर गाजियाबाद में। समाचार 24+ की पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है क्योंकि एक बात ही ऐसी है और बहुत बड़ी खबर नोएडा सेक्टर 112 एक्सो टेल्स एनिमल सेंटर के वहाँ से आ रही है, जो आपको समाचार 24+ के माध्यम से आज बताई जाएगी। हुआ ये कि रीमा वर्मा जी अपनी फैमिली ट्रिप पर जाती हैं और उनका पाब्लो, जो कि बहुत अच्छा और क्यूट पेट था, जिसको 2 साल से अधिक उन्होंने पाला था और 20-25 दिन का जब वो था तो रीमा वर्मा जी और उनका परिवार उनको अपने घर में लेकर आया था और उनको एज अ फैमिली मेम्बर में शामिल किया था। लेकिन 2 दिन पहले क्या ऐसा हुआ कि पाब्लो ये दुनिया छोड़ के चला गया और रीमा वर्मा जी और उनका पूरा परिवार इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा शोक में है। जब उन्होंने ट्रिप पे जाना था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो CCTV फुटेज के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जाने वाला सेंटर एक्सो टेल्स, जो कि नोएडा सेक्टर 112 में स्थित है, जो कि न जाने रीमा वर्मा जैसे कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठता है। उनको कोई CCTV फुटेज नहीं दी गई, उनको किसी बात की जानकारी नहीं दी गई जब रीमा वर्मा जी और उनका परिवार इस दिल्ली में नहीं था, कि उनके पाब्लो क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है और उसको किस तरीके का सेवन चीज़ें को दिया जा रहा है। जब वो आई तो पाब्लो को 105 बुखार था और एक्सो टेल्स वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप इनको यहाँ से ले जाइए। पूरी रात रीमा वर्मा जी और उनका परिवार सड़कों पर घूमता रहा, इधर उधर गाड़ियों से दौड़ता रहा, तब जाकर साउथ दिल्ली में स्थित ग्रेटर क्लाश में एक अस्पताल में पाब्लो को ले जाया गया। वहाँ पर जाके पता लगा कि पाब्लो दम तोड़ चुका है, जिसको लेकर रीमा वर्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब एक्सो टेल्स वाले लगातार रीमा वर्मा जी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपके लिए सिंपति गेन करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दुख है। मैं पूछना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, एक्सो टेल्स वाले उसके मालिक से कि आप किसी जानवर की ज़िंदगी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या जानवर बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दिल नहीं होता? बहुत सारे लोग एडॉप्टेशन करते हैं, चैनल के माध्यम से ये खबर फैलनी चाहिए जितना हो सके कि एक्सो टेल्स ने ये जो काम करके दिखाया है बहुत ज़्यादा गंदनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं और न जाने ऐसे कितने लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, जिनके पेट्स वहाँ पर हैं, जो डे केयर के लिए, नाइट केयर के लिए अपने पेट्स को एक्सो टेल्स में छोड़ कर जाते हैं, वो इस सेंटर से दूर रहें क्योंकि आज एक पाब्लो गया है, न जाने कल कितने पाब्लो जा सकते हैं। बात करते हैं रीमा वर्मा जी से, फिलहाल तो वो शोक में है लेकिन समाचार 24+ की टीम उनसे बात करने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मौजूद है हमारे साथ रीमा वर्मा जी, जो मैंने आपको बताया कि अभी इनके हस्बैंड से भी बात हुई और जो जैसे कि मैंने बताया जो पाब्लो था वो इनको छोड़ के जा चुका है और जिस जो काम ये किया है नोएडा सेक्टर 12 में एनिमल सेंटर में क्रेच में, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कार्य है और जो ये नहीं होना चाहिए था। रीमा जी बहुत ज्यादा शोक में है और बात करना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं, तो 2 बात तो बनती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बच्चे की तरह पाला था, जानवर उसको कभी नहीं समझा था और बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जो एक जानवर को ऐसा ट्रीटमेंट देती है कि उनका पूरा बच्चा हो और पूरा बच्चे की तरह इन्होंने 2 साल से उसकी पाब्लो की परवरिश करी थी। रीमा जी मैं समझ सकता हूँ कैसा फील कर रही है लेकिन जनता जानना चाहती है एकदम से ऐसा क्या हो गया, आज पाब्लो आपके साथ नहीं है और 2 दिन पहले ये काम हुआ। सर एक्चुअली जैसा कि आपने बताया मैं एस्ट्रोलॉजर और मैं मोस्टली उसको किसी को नहीं, मैं वैसे भी बाहर आई एम एनिमल लवर, तो मैं गौशाला और डॉग्स के यू नो जितनी मेरे से सेवा हो सकती थी मैं करती रहती थी। अचानक अभी छुट्टियों का टाइम आया, घर वालों ने बोला वेकेशंस की छुट्टियां मनाने चलते हैं, चलो पहाड़ों पे चलते हैं, बहुत गर्मी है, तो हमारा पूरा ये था कि हमें उसको साथ लेके चलना है लेकिन अचानक से इनका एडवर्टाइजमेंट मिला हम लोगों को, इन्होंने एश्योरेंस दिया कि आपको हम CCTV का जो है एक्सेस देंगे। हमने इनसे बात की तो इनकी पूरी टीम अच्छे से हमसे बात कर रही थी, इंग्लिश में बात कर रही थी, जिसकी वजह से मैं उनकी झांसे में आई, मुझे लगा कि वेल क्वालिफाइड है, तो मैंने बात की और उन्होंने मुझे 1050 रुपीज़ पर डे का बोला। आई सेड ओके फाइन, उन्होंने नियर अबाउट 4-5 थाउजेंड मुझसे चार्ज लिया, मैंने वो भी पे कर दिया। मैं चाहती थी कि मेरे पेट को पीछे से किसी को दिक्कत ना आए क्योंकि मैं रिश्तेदारों को भी नहीं चाहती थी कि मैं अननेसेसरी का यू नो उनको मैं दूँ कि सभी लोग आज के डेट में वर्किंग होते हैं, तो मैंने उनसे बात की, उनको मैंने अपने पेट को वहाँ पर रखवाया। जब वहाँ मैं गई छोड़ने के लिए पेट को तो सब उन्होंने कहा कि कैमराज है यहाँ पे, हम पेट को फीड करवाएंगे, आपको एक्सेस देंगे। मैं वहाँ से फिर निकल गई, तो जब मैं वहाँ से निकल गई तो मैंने उनसे मांगा, आपने मुझे एक्सेस नहीं दिया, तो बोलते 1.5 से 2 घंटे में एक्सेस आएगा, कुछ टेक्निकल उनके इश्यूज़ थे।
देन आफ्टर दैट मैंने उन्हें दोबारा कोऑर्डिनेट किया कि आप मुझे एक्सेस दीजिए, तो उन्होंने एक्सेस दिया। मैं शॉक्ड हो गई देखते थे क्योंकि उसमें चार कमरों का एक्सेस था एंड फोर रूम्स का जो एक्सेस था उसके अंदर यू वॉन्ट बिलीव कि उसमें मेरा जो पेट है, मेरा पग, मेरा जो पाब्लो मेरे पेट का नाम है, वो था ही नहीं वहाँ पर। 24 घंटे में से एक या दो घंटे ही मुझे वो दिखता था। तो मैं उन्हें बार बार कॉल करने लगी कि व्हाट ही इज़ डूइंग, तो बोलते थे ही इज़ फाइन, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ओके ही इज़ फाइन विद द पैक एंड ऑल, ऐसे ओके फाइन। मैं पूछती थी क्या खाया उसने, ही इज़ फाइन विद द पैक, जो मतलब पैकेज मैंने ले रखा था, मैंने बताया था वो ये खाता है। हु नोज़, क्योंकि कैमरा में मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। और उनको मैंने पूछा कि मैं कुछ लेकर क्या हूँ, उसके बर्तन या कुछ, तो उन्होंने कहा वी हैव एवरीथिंग। मैन एक्सेस मिलता है चार कमरों का, तो मैंने देखा, मैं शॉक्ड हो गई कि वहाँ जो 5-6 बाउल्स पड़े हुए थे, वो बाउल्स में मतलब सब डॉग्स यू नो कॉमन वाटर इंटेक कर रहे थे। तो मेरा जो डॉग था वो इस मॉल में नहीं रहा था, मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह से वो रहता नहीं है, सो AC भी चाहिए होता है एंड ऑल। तो मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने कहा मैम ही इज़ फाइन फाइन, बस यही बोलते रह रहे। और एक दो उन्होंने मुझे 1-2 मिनट की वीडियोज़ भेजी मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर। तो वीडियोस में मैं शॉक्ड हो गई देख करके कि इतने जून जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी है, अभी मुझे भी पसीना आ रहा है और उसकी क्या हालत हुई होगी। आई वॉज रियली शॉक्ड। तो वो धूप से बचते हुए जो वीडियो बना रहे ज़बरदस्ती, वो बचते हुए छाँव की तरफ जा रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात क्या बढ़ानी, मैं वापस जाके ही बात करती हूँ। मान लीजिए मुझे कल उसको लेने जाना था, तो मेरा मूड खराब हो गया उसकी एक्टिविटी देख के, जितनी देर भी वो 1-2 घंटा भी आता था, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखती थी कि ये मिक्सअप नहीं हो रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब एक्सेस के अंदर क्या होता है कि हम AC नहीं देख सकते हैं, ये सारे इश्यूज आते थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया, मैंने कहा मैं आज ही आ रही हूँ उसे लेने के लिए। कहते नहीं मैम आप 7 बजे तक आ जाइए। मैंने कहा इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत जाम है, मसूरी भी इतना जाम था, वहाँ से निकलने में टाइम लगा। मैं रात को 10 बजे करीब 10:30 ऐसे ही पहुँची। तो मेरे ब्रदर जो मेरे साथ था वो गाड़ी से निकला जब उसने पेट को लिया, तो मेरा पाबलो पूरा गीला था, जैसे कि अभी अभी शावर लेके निकला। वहाँ एरिया इज लाइक साइलेंट एरिया है, तो फीमेल्स के लिए सही नहीं था, तो मैंने गाड़ी लॉक करके मैं बैठी रही। जब मैं वहाँ से हम लोग वहाँ से निकल गए, मैंने उन्हें कॉल किया कि मैंने उसको बच्चे की तरफ से हक किया कि इतनी देर बाद मिला, बाबू का कैसा था, कहाँ हुआ, जब उसे कडलिंग करते थे वो करता था, तो वो यू ऐसे ही वॉज लाइक इन अनकॉन्शियस कंडीशन में था। तो मुझे समझ नहीं आया, ना पूछ हिला रहा है ना रिएक्शन दे रहा है, और एकदम से उसके आँखें बंद कर ली। तो मैंने कहा हर्षित इसको ना कॉल लगाओ ऑनर को कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछते हैं। हमने पूछा, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं मैम, वो ना शाम से तबीयत ख़राब हो रही थी, जो कि उन्होंने हमें नहीं बताया। फिर हमने देखा तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लग गया। हमने उन्हें बोला कि इट्स बीन लाइक 11 महीने वाले हैं। हमारा डॉक्टर भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि यहाँ जो क्लिनिक्स होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है क्लिनिक्स का। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, मैं गाड़ी भेज दूँगा, आप ट्राई कर लो। हमने पहले 1/2 घंटा ट्राई किया, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। फिर मैंने कहा सर आप बताइए, आप गाड़ी भेज दीजिए। तो बोलते हैं मैम एक काम करो, नोएडा सेक्टर 51 में आ जाओ, यहाँ फलानी जगह आ जाओ, एक और मतलब कोई गौर सिटी में खुल रहा है, मैं वहाँ काम करवा रहा हूँ। मैंने कहा सर उसकी कंडीशन ख़राब है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाएगा, वो लंबी लंबी ब्रीथिंग लेने लगी है, और मुझे नहीं पता ये 2-3 दिन में उसकी क्या रिपोर्ट रही है, वो तो आप बताइए, आपका स्टाफ बताएगा। तो बकायदा वो मेरे को वीडियो कॉल करके कहते दिखाइए क्या कंडीशन है। मैंने कहा सर, कहते आप थर्मामीटर लीजिए और देखिए कितना टेम्परेचर। सर मुझे पता है उसकी पूरी बॉडी गर्म हुई पड़ी है, मैं छू के बता सकती हूँ उसके। मैंने हाथों को छुआ और कान छू के देखे, वो बिल्कुल गर्म था। एनीवे जब मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एक डॉक्टर का क्लिनिक पे नंबर बोर्ड पे नंबर लिखा था, मैंने वहाँ कॉल किया। उन्होंने कहा मैम मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ रात में, यूजली मोस्टली क्लिनिक वाले डॉक्टर्स नहीं होते, आप एक काम करें आप साउथ एक्स नहीं नहीं ग्रेटर कैलाश सॉरी ग्रेटर कैलाश नेक्स्ट फ्लेट हॉस्पिटल है, साउथ दिल्ली की साइड है ये शहर, तो वहाँ चले जाइए लेकर के। हमने दिल्ली नोएडा की सड़कों पे इतनी गाड़ी घुमाई, जो हम 5:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक गाड़ी घुमा रहे थे, वो तड़पता रहा क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे। आई वॉज शॉक कि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला के बैठे, उन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी, हमें डॉक्टर नहीं दिया। फिर उसके बाद जब हम वहाँ तक पहुँचे, हमने कॉल किया कि डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा मौके पर, उन्होंने कहा यस। मैं जल्दी से रास्ते में ही ड्राइव माय ब्रदर इन लॉ वाज ड्राइविंग, और मैंने कॉल करके जल्दी बुक किया कि मुझे अर्जेंट में डॉक्टर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेके तुरंत आप फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइएगा। मैं उसको लेके पहुँची तो उन्होंने कहा इज नो मोर। आई वॉज रियली शॉक्ड। उन्होंने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, देखा तो उसकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इसका 108 के करीब फीवर जो उसका निकला, 7-8 के करीब 108, तो वो गर्मी की वजह से निकला, उसकी केयर नहीं की गई, ये सारे इश्यूज आए हमारे सामने।
तो मैंने उनको फिर बोला भाई किसी का भी डॉग चला जाएगा तो हम आगे तो पागल हो ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला हाउ डियर यू, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उनकी वॉइस को सारी चीज़ें कि कोई बात नहीं, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो हेल्प करने की बजाय क्या कह रहे हैं सेंटर में सर, उन्होंने ब्लॉक कर दिया और मैंने 2-3 नंबर से कॉल किया, मुझे नींद थी उस समय रात के समय, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी और मैं उन्हीं को कॉल करती ऑब्वियसली। फिर कुछ नहीं, मैं वापस घर आई और घर आके मेरा बेटा मेरे साथ ही गया था रात को, तो हम पागल हो गए थे लेके भागे ऐसे घर पर, एक फैमिली मेम्बर कुछ होता है। जब मैं उसको डेड घोषित कर दिया और डॉक्टर्स ने पैक कर दिया, तो मैंने बेटे को घर पर छोड़ा मदर के पास और मैं 3:30-4 बज गए थे सब होते होते। यहाँ वापस आई मैं शालीमार गार्डन, फिर यहाँ से मैं नोएडा 112 सेक्टर गई, वहाँ 112 नंबर पर कॉल किया, PCR आई, उन्होंने गेट कर कराई, इन लोगों ने नहीं कॉल, उनका आप लोग जाइए टर्मिनेशन कीजिए, वीडियो बना लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने जो मैं कर सकती थी बेस्ट मैंने वो किया, बट सर वो तो चला गया ना, उसको तो मैं नहीं लौट वापस बुला सकती। अब सेंटर वाले आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे किसी को, उन्होंने फिर 3:30 वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है अरुण वर्मा जी, उन्होंने कॉल किया, टीम पूरा सपोर्ट कर रही है, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बात करवाई तो पुलिस वालों के सामने मुझे बोलते हैं आप सेटल कर लो। तो सर सेटल क्या कर लूँ, मैं तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हूँ और मैं रिलीजियस वर्क कर रही हूँ, मैं एनिमल लवर, मैं उल्टा पैसे लगा रही हूँ कि आप 3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप क्या करना, वो उल्टा मुझे ऑफर कर रहे थे कि एक तरह से सेटल कर लो, नाउ टू थिंक सेटल, मुझे सेटल नहीं करना, मुझे उसका हक के लिए बोल रही हूँ, बेजुबान है वो तो चला गया, मुझे पता है 2 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना, मुझसे इतने वाला अंदर नहीं ले जाएगा, ठीक है बच्चा मेरा छोटा उसे तो एनी वे मैंने मदर के यहाँ भेज दिया ताकि माइंड चेंज हो जाए, पर हमारे घर का माहौल खराब हो गया। तो वहाँ से आज मेरे पास एक कॉल भी आई थी कि उन्होंने चलो सिंपति दिखाई, आप सिंपति दिखा रहे जिससे मैं जरूरत थी उस समय तो ब्लॉक कर। क्या हुआ था सर एक्सो टेल्स जैसा जो सेंटर है कोई उसमें ना जाए, मैं तो यही कहूंगा जो पाब्लो के साथ हुआ वो और कई पाब्लो के साथ ना हो। क्या हुआ था पूरा मैटर, आप लोग कहाँ थे और आपको कैसे पता लगा? सर बात ये है कि जब हमने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग जाते हैं, फिर हमें सबसे पहले तो हम उसको अपने बच्चे की तरह ही समझते थे पाब्लो को, तो हमने जब सोचा कि अब हम उसको अपने साथ लेके जाए या ना जाए, फिर हमने जो है कई जगह सर्च किया ढूंढा कि कहाँ पर कोई ऐसी एक ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ पे जो है उसकी घर जैसी केयर हो जाए। तो हमने नेट पे काफ़ी सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें CCTV कैमरे वगैरह और AC वगैरह की फैसिलिटी जो है वो एक्सो टेल्स ने दिखाया है। तो हमने कहा ठीक है चलो इसका मतलब जो है हमें उसको जो है एक तरीके घर परिवार जैसा ही माहौल मिल जाएगा, ये सोच के हमने जो है इतनी दूर नोएडा में जो है उसको छोड़ने गए। यहाँ से हम करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है जबकि यहाँ काफ़ी सारे क्रैश थे, तो हमने इस विश्वास में ही वहाँ छोड़ा रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के कि ठीक है, और आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने रिव्यूज़ भी कुछ गलत ही अपने शायद बना रखे होंगे। तो हम जब वहाँ पर उनको छोड़ के आए तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि छोड़े ना, उन्होंने काफ़ी विश्वास दिलाया हमें कि नहीं सर आप इसे बिल्कुल घर की तरह ही समझिए और बिल्कुल CCTV आपके सामने 24/7 रहेगा और AC में रहेगा आपका डॉगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप आए तो जैसे कि हमने सुना कि 105 बुखार था पाब्लो को और कोई भी डे केयर नहीं किया गया था, अब गर्मी में वो काफ़ी था, पसीना आ रहा था, तो जब आपने उनसे क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हालत है और कितने पैसे आपने डिपॉजिट करे थे? सर उन्होंने पर डे के जो है 1050 रुपीज़ हमसे चार्ज किए थे, तो 4-5 दिन के उन्होंने 4-5 हज़ार रुपये जो है वो पेमेंट ली थी हमसे। तो जब मैं तो खैर गया नहीं था लेने के लिए, तो साथ में जो है मेरा ब्रदर गया था, तो उन्होंने मैं थोड़ा सा टेंशन करता रहा कि क्या बात होगी, मैंने उसको ये भी कहा भाई जैसी मिले ना तो उसकी वीडियो बना लियो ये कर लियो, हमें देखना है कि कैसा उसका एक्सप्रेशन होगा। तो जब वहाँ पर मैं काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं आया मेरे पास, तो मैंने फ़ोन उनको मिलाया पूछा कि भाई कैसा है क्या हुआ, तो उन्होंने बताया रीमा ने कि भाई नहीं ये तो जो है ना अभी हमें भारी वेट करा रहे हैं, हम आधे घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी हम दे रहे हैं आपको दे देंगे अभी डॉगी आपका, तो वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्यों वेट करा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। फिर जब वो आया तो उन्होंने कहा कि बस 2-4 कदम चला और हमने उसको ऐसी गोदी में उठा लिया कि भाई लेके जाने लगे, और जब लेके जाने लगे तो वो कोई किसी के कुछ मतलब पहचान नहीं रहा था, मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठ गया अनकॉन्शियस जैसे हो गया हो। फिर उसके बाद जो उसको पानी वानी पिलवाया तो उसने पानी पीते पीते अपने आप नीचे गिरने लगा ज़मीन पर। तो हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर उस फटाफट से हमने उनसे बात करी उसके मालिक से एक्सो टेल से, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए मैं ना आपके यहाँ पे वैन पहुँचा देता हूँ जहाँ पर है, तो आपको वहीं पे डॉक्टर मिल जाएगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है आप पहुँचा दीजिए, फिर उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, उन्होंने कहा एक काम करिए आप इधर आ जाइए इस जगह पे। तो हमने कहा काम शालीमार गार्डन पहुँच चुके हैं, अब 1.5 घंटे हम कहाँ से फिर से लेके जाए, इसको किस तरीके प्रॉब्लम है, आप ही अगर रास्ते में कहीं कोई ऐसी फैसिलिटी आपको मिलती है तो आप ही हमें यहाँ दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपको यहीं आना पड़ेगा। तो
तो अब हमने फिर उनका फ़ोन कट करके इधर उधर डॉक्टर पे सर्च किया तो हमें कुछ नहीं पता लगने लगा उसकी, हमारे डॉगी की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तो हमने जब उनको कॉल दोबारा मिलाया तो हम काफ़ी दिमाग हमारा बहुत ख़राब हो चुका था। तो हमने बोला कि क्या नाम है कि भाई ये क्या बात हो रही है कि उसके आपने ऐसी हालत कर दी, आपने केयर नहीं की, नहीं की। तो हमने उससे थोड़ा सा गुस्से में बोला तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ़ जो है कंप्लेन करेंगे। तो मैंने कहा आप जो करना चाहे कर दीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कह के उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया और उसके बाद ब्लॉक कर दिया। अब एक्सो टेल्स वाले आपसे संपर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि पाब्लो जा चुका है आप लोगों को छोड़ के? जी, हमने जब पुलिस कंप्लेन करी थी उसी वक्त ही, तो हमने पुलिस कंप्लेन करने के बाद जो है पुलिस ने हमें और उन लोगों को आपस में दोनों को बुलवाया। तो जब हम उनसे फेस टू फेस मिलकर हमने बातचीत करी तब उन्होंने बोला कि क्या नाम है कि आप क्या हुआ उसका, हमें पता लग गया हाँ वो डेथ हो गई, ये हो गया। तो हमारा तो कुछ नहीं था, हमने तो ये उनका रखा ही था, केयर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि उन्होंने जब हमें ये कमिटमेंट किया कि 24/7 वो कैमरे में रहेगा, और जब जो भी उसको खाना दिया जाता था तो खाने के टाइम पे हमें पता ही नहीं कि उसको खाना क्या खिलाया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे वो कैमरा है उसकी, वो रिकॉर्डिंग हमें दी नहीं गई कैमरे की। हमने कहा वो क्या खा रहे है, क्या कह रहे हैं? कह रहे सर हम उसको ना अलग जगह पे ले जाके जो है खिलाते हैं। तो अब उसको क्या खिलाया, नशा खिलाया, क्या खिलाया कि जिससे उसकी ये हालत हो गई, और वो किस तरीके गर्मी में रहा। हमने पहले पुलिस कंप्लेन कर दिया, अब हमारी पूरी कोशिश है कि उनके खिलाफ़ FIR हो जाए। बट उन्होंने कहा है पुलिस वालों ने कि अभी हम 24 घंटे की इनकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है। और मैं आप जैसे न्यूज़ चैनल के थ्रू ही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए आवाज़ उठाए, तभी आप लोगों को बुलवाया है कि आप लोग हमारे लिए जो है हमारे बेसिस पे जो है इस चीज़ को आगे रखें और हमें इंसाफ दिलाए कि ताकि कोई भी जो इतना पेट जितना प्यारा है सब लोगों का, तो उनको ऐसी जगहों पे ना दे। कैसा लग रहा है, मतलब पाब्लो चला गया और ये जो एक्सो टेल्स वालों ने कांड किया है, मैं कांड ही कहूँगा क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि जानवर की लाइफ नहीं होती, लेकिन आप जैसी फैमिलीज बहुत बढ़ चढ़ के आगे आती हैं जो जानवर को भी एक बच्चा मानकर उसको एक ज़िंदगी देती हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि पाब्लो जो था हमारे घर का सदस्य बढ़कर था, वो हमारे साथ वो रहता था, पूरे दिन रहता था, और जब भी वो हम कहीं से भी आते थे तो हमें ऐसे प्यार से हमारे पास आता था, हमें लगता नहीं था कि वो कोई जानवर है, हमें लगता था एक इंसान ही है। बट जब से ये सब हुआ उसके साथ, तो उसके बाद से हम सब की हालत बहुत ख़राब रही है क्योंकि हम बहुत ही परेशान हो रखे हैं, और हमसे मतलब ये हमें लगता था कि जो ये हो रहा है ये एक सपना तो नहीं है, हम सपने से बाहर कब आएंगे, ऐसा हम सब सोच रहे हैं। बट रियलिटी तो यही है कि वो जा चुका है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट यही है कि जो जिस हिसाब से केयर नहीं हुई है उसकी, वो उसकी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। एक्सो टेल्स वालों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से उनको केयर रखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ हमसे कही थी करने के लिए वो सब हमने करी, इंक्लूडिंग मनी, उन्होंने जो बोला था हमने उनको वो पेमेंट करी थी, एंड उसके लिए हमने कोई कमी नहीं करी थी। हमने उनको सब बताया था ऐसे करना है उसके साथ, वो ऐसे रहा है तो ऐसा रहता है, तो ये खाता है वो खाता है, तो हमने उनको सारी चीज़ बताई थी। बट एट दी एंड ऑफ द डे जब हम सारे इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, उनसे कोई लापरवाही की वजह से ही ऐसा एट दी एंड रिजल्ट हुआ है, तो आई थिंक कि उनकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम्स थी या उनके केयरिंग के तरीके में कुछ प्रॉब्लम।